नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बात कर लेते हैं 6 माह पहले हुए देवास के नेमावर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्याकांड के बारे में। जी हां, इस मामले में अब सीबीआई की जांच होगी। राज्य सरकार ने यह सिफारिश केंद्र सरकार से की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवैधानिक सहमति मिलने के बाद गृह विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है। देवास के नेमावर में 30 जून 2021 को एक ही परिवार के 5 लोगों का नरकंकाल मिला था और ये कंकाल एक आदिवासी परिवार के थे जो 13 मई से लापता थे। शवों को 8 से 10 फीट गहराई में दफनाया गया था और इसे गलाने के लिए उनके ऊपर कपड़े हटाकर यूरिया और नमक भी डाला गया था। अब ऐसे में अब इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश यहां पर मुख्यमंत्री ने की है। तो बता दें, मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे गुंडा राज। देवास के नेमावर में 5 लोगों की गई थी हत्या। बता दें आपको, ये 5 लोग जो हैं वो आदिवासी वर्ग से आते हैं। 5 लोगों की हत्या का मामला जो है यहाँ पर उठा है। साथ ही सीएम शिवराज ने एसबीआई जांच की सिफारिश की है। अगर मामले को देखा जाए तो लगातार इस मामले पर काफी विवाद हुआ। आरोपियों के घर और दुकानों को भी ध्वस्त किया गया। आरोपियों की किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। साथ ही यहाँ पर इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये बात यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कही है। मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे गुंडा राज। देवास के नेमावर में 5 लोगों की हत्या की गई थी। हत्या के 9 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 लोगों की हत्या करने का मामला यहाँ पर सामने आया है। सीएम शिवराज ने मामले में संज्ञान लिया है। सीएम शिवराज ने सीबीआई की जांच की मांग की है। साथ ही बता दें, राज्य सरकार आरोपियों पर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 भाजपा से संदर पटेल जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश स्वागत है कार्यक्रम में और इस पैनल पर। संदर पटेल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अनन्या जी आ रही है जी। सीएम शिवराज ने यहाँ पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। आप लोग कई समय से मांग कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये स्वागत योग्य निर्णय है। सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित किए हुए, फिर भी अगर कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है और इतनी दुर्दांत घटना अगर हमारे सामने आती है तो समाज में न केवल उन अपराधियों को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, समाज में एक संदेश जाए कि इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी हाल में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार स्वीकार नहीं करने वाली है। और उसी कड़ी में आज जो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की है वो बहुत स्वागत योग्य है। इस प्रकार से जहां हम आज हमारे पूरे देश में सीबीआई एक प्रमुख संस्थान है, प्रमुख एजेंसी, जांच एजेंसी, हमको सहायता मिलेगी और आगे एक संदेश जाए। सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए, नेमावर की घटना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए दे रही है। उसमें अब सीबीआई जांच करेगी नेमावर की। नेमावर की घटना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए दे रही है। उसमें अब सीबीआई जांच करेगी नेमावर की। नेमावर की घटना के लिए, तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहा गृह मंत्री ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीबीआई अब इस मुद्दे की जांच करेगा। संतोष परिहार जी, कांग्रेस की लंबे समय से मांग थी कि इस मुद्दे पर जो है सीबीआई की जांच बैठे, अब आपकी मांग पूरी हो चुकी है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की मांग माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी जो है ये घटना घटी थी वहां पर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया था और माननीय कमलनाथ जी मांग कर रहे थे कि जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और जांच में इतना देर हुआ ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। चलिए ठीक है, सीबीआई जांच हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इतना टाइम क्यों लगा? 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब विपक्ष का दबाव पड़ा तब इनने जो है ढीला मटोली करके कार्रवाई को वो करा। वो इतना टाइम क्यों लगा सीबीआई जांच के लिए? तो ये तो खोज का विषय है ना। जहां तक जो है आप बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में गुंडा राज है, पूरे हर जगह जो है प्रताड़ना हो रही है। अब आदिवासियों के न्याय मिलने के लिए इतना समय लगेगा,
अब जांच तो पहले भी कई हुई थी, उसका क्या वो हुआ है? चलिए ठीक है, स्वागत योग्य है। माननीय कमलनाथ जी ने जो है सीबीआई जांच की मांग करी थी जी, वो सरकार ने उसको सिफारिश कर दी। चलिए राजेश चौधरी जी, अब सीबीआई के पास ही मामला अगर जा रहा है तो क्या लगता है कि 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब सीबीआई और क्या नया इसमें जांच करेगा, क्या नया कुछ निकल कर आएगा? 29 जून को ही क्लियर हो गया था, एक्चुअली 13 मई को जब ये गुमशुद थी उसका और सुरेंद्र उनके बीच में, उसके बाद जेल भी भेज दिया और उसमें उसके जो नाना थे उसका मकान भी तोड़ दिया है ना, और ये स्टोरी सबको मालूम चल गई, ये ओपन फोरम में आ गई कि ये कहानी थी कि रूपाली उसकी शादी के जो सगाई हो गई थी सुरेंद्र की उस पर नाराज थी, इस कारण से उसके पूरे परिवार को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। अब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम किम जोंग वाली सरकार नहीं है अपने यहाँ, जो नॉर्थ कोरिया की या तो सऊदी अरेबिया की सरकार है जो तुरंत वहीं के वहीं स्पॉट पे ही फैसला कर दिया भले गलत हो सही हो। अब जिसका घर टूट, अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं मतलब आपको जो 9 लोग पकड़े थे उसमें उनपे आपको लग रहा है कि वो सही आरोपी नहीं है, तो सही आरोपी नहीं है तो उनका आपने जीवन भी खराब कर दिया, और दूसरी बात है उसके नाना का मकान जिसके दादा का भी नहीं था, नाना का मकान भी तोड़ दिया और उनको बेचारों को और भी कई मकान टूटे, एक दो मकान और टूटे लेकिन उसके नाना का टूटा, ये ज्यादा चिंता की बात है। अब एक बात है कि हमारे संविधान हमारा जो कानून ये कहता है भारतीय कानून कि 1000 आरोपी क्रिमिनल छूट भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये तो सही नहीं है। तो आपने इतने बड़े बड़े जो स्टेप उठा लिए, इतनी जल्दबाजी में उठा लिए, और अगर समझ लीजिए कल को वो गलत निकलता है, इनमें से 9 में से कोई एक दो आदमी ऐसे निकलते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होगा पर उनका तो जीवन खराब हो गया ना जी। तीसरी बात ये है कि अपने प्रदेश में आदिवासी वोट जो है 48 सीटों पर सीधे सीधे प्रभावित करते हैं 48 सीटों को, और उसी कारण से कांग्रेस भी लगातार वहां गई और बीजेपी भी गई है ना, बीजेपी भी जो आजकल डिसीजन हुआ है वो भी, और जो अभी तक हुआ है, और कांग्रेस ने भी विरोध उसी कारण से किया क्योंकि सबको आदिवासी वोट दिख रहे हैं, उस चक्कर में न्याय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मान लिया जाए यहाँ पर कि कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं जी। चलिए संदर पटेल जी, एक बार अगर देखा जाए तो अचानक से सीबीआई जांच कैसे, अभी एकदम से कैसे याद आया कि सीबीआई जांच होनी है, मामला काफी पुराना है। रम्या जी ये प्रश्न ही इनका ठीक नहीं है, हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि पहले तो कहा कि दुर्भाग्यशाली है, जब आप डिमांड करते हैं तो वो अच्छी बात है, जब कोई मांग को माना जाता है, कोई जांच को कराया जाता है तो बुरी बात हो जाती है। कांग्रेस को जो है वो अपना रोल ठीक से नहीं करती है, सकारात्मक मुद्दों पर उनको साथ आना चाहिए, एक लाइन में उनको इसका स्वागत करना चाहिए या उनको मांग नहीं करना चाहिए। तो ये जो जांच हो रही है, देश की सबसे प्रमुख एजेंसी है जांच एजेंसी सीबीआई की, अगर जांच हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कहीं बुराई नहीं है। अगर लेकिन अगर देखा जाए तो संतोष जी कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि जो दोषी नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है इस चीज की कि 100 को सजा मिलता है लेकिन कोई एक निर्दोष जो है उसको सजा ना मिले, ऐसे में जो दोषी है फिलहाल में और अगर कोई अगर उसमें निर्दोष है तो उसके उस पे जो है वापस से जांच यहाँ पर होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी, पूरी संजीदगी से पूरी संवेदनाओं के साथ हम भी इस बात को बोलते हैं कि एक भी निर्दोष नहीं बचना चाहिए, एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए। अरे संवर जी, शब्दों में ध्यान दें, आप कह रहे हैं एक भी निर्दोष नहीं बचना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, कोई मेरे शब्द का कोई मेरे मुंह से गलत निकला, तो एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए और एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। चलिए, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और समाज में जो एक बुरा संदेश जाता है कि एक 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 साथ पांच पांच लोगों की हत्या करना, ये बहुत ही दुर्दांत घटना है, और ये किसी भी वर्ग से हो, हमारे जनजाति भाई बहन। लेकिन संवर जी, अगर एक बात देखी जाए तो इस मामले पे जो है काफी वक्त तक कार्रवाई भी नहीं हुई थी, इसके बाद जो है कांग्रेस ने यहाँ पर मांग उठाना शुरू की थी कि इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो उनका काम है सिर्फ विरोध करना, इसमें जांच भी हुई है, लोग पकड़े भी गए हैं, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं आपके सामने है, और अब सीबीआई जांच के माध्यम से भी कोई चीज नहीं बचेगी, कोई दोषी छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयास जी, यहाँ पर सीबीआई जांच अगर हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को, यहाँ पर राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस नन्ना जी बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है, इनकी क्या है, इनकी भावनाएं ठीक नहीं है,
इनकी भावना अगर अच्छी रहती तो डेढ़ महीने तक उसमें उस केस के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब विपक्ष द्वारा हम विपक्ष में बैठे तो हमारी ये भूमिका है कि सही चीज जो है सामने आए। तो पुलिस ने तो वैसे भी जो है बहुत देर कर दी, देर करने के बाद जो है आपको ये लग नहीं रहा है कि पुलिस टाल मटोल की जा रही है, कितना लेट हो रहा है। और रही तक सीबीआई जांच की मांग तो माननीय कमलनाथ जी ने करी थी, सीबीआई जांच की मांग करी थी और शासन ने सिफारिश कर दी, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें सही न्याय मिलना चाहिए अनन्या जी। अभी तो क्या है कि जांच हो जाएगी, सालों चलेगी, अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तो वो ये तो वो है ना। तो संतोष परिहार जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जो संतुष्ट नहीं थी, जांच पहले हुई थी सरकार द्वारा, यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो पहले जांच बिठाई गई थी मध्यप्रदेश में। हाँ बिल्कुल, उसमें कई लोग जो है इनके इन्वॉल्व थे, जब तो लेट हो रहा था, क्यों प्रशासन लेट कर रहा था, किसी न किसी का दबाव तो होगा ना इसके अंदर, इस प्रकरण में। तो इसकी सीबीआई जांच की तो मांग कांग्रेस शुरू से ही कर रही है। माननीय कमलनाथ जी ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख मुआवजा भी दिया था। तो ये तो कांग्रेस तो हर पीड़ित परिवार के साथ है ना, वो साथ रहना चाहिए, क्योंकि हत्या तो चाहे आदिवासी जनजाति की हो जाए।